हाँ भाई सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का क्या हाल चाल है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग नमस्कार सत्याकाल आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल अगर एग्जाम्स की मैं बात करूं तो चाहे यूपी कॉन्स्टेबल हो चाहे यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपी पैट हो हर जगह नदियां एवं उनके उद्गम से हर साल हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको सवाल देखने को मिल जाता है तो ये जो सीरीज आपके लिए लेकर आए थे कि दस मिनट में छोटे छोटे कंसेप्ट जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवाए जाएंगे उसी सीरीज को आज चालू करते हुए आपके पीछे आपको एक नदी बहती हुई दिख रही होगी बहुत ही तेजी से तो इसका मतलब क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं नदियां एवं उनके उद्गम स्थल रिवर्स एंड देयर ओरिजन आज हम पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में उनके उद्गम स्थल उद्गम स्थल कहां पर है कहाँ से निकलती हैं किन राज्यों में बहती हैं और कहां पर जाकर मिल जाती हैं अगर भारत की नदियों की मैं बात करूं तो बहुत बड़ी एक क्षेत्र आ जाता है भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं एक ऊपर गंगा के मैदान और दूसरे नीचे प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां तिबतीन प्लेटो की बात करूं तो भारत को प्रभावित करने वाली तीन नदियां यहां पर आती हैं चाहे मैं सतलज की बात करूं चाहे सिंधु नदी की बात करूं चाहे ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूं तो इधर को लेकर आज पहला क्वेश्चन है हमारा नदियों से लेकर क्वेश्चन इज सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है इंडस रिवर का उद्गम कहां से होता है हिंदू कुश पर्वतमाला हिमालय श्रेणी काराकोरम रेंज और कैलाश श्रेणी सिंधु नदी की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना दो नदियां एक तो सिंधु नदी और दूसरी नदी आती है सतलुज और दूसरी नदी है सतलुज दोनों ही एंटीसीडेंट रिवर्स हैं मतलब यहां पर पहले पर्वत पर्वतों से पहले ही पर्वतों से पूर्व में ही ये नदियां बहती थी और जब पर्वत बने तो उनको काट कर ये बहने लग गई अगर सिंधु नदी की मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा माउंट कैलाश यहां से इंडस रिवर निकल रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कैलाश श्रेणी से निकलती है सिंधु नदी डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर इसके डिटेल की मैं बात करूं तो सिंधु 3200 किलोमीटर लंबी ट्रांस हिमालय नदी है कौन सी है सर याद रखिएगा ये ट्रांस हिमालय नदी है ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हिमालय आते हैं सर? हिमालय के ऊपर जो हिमालय के हिस्सा नहीं है कौन कौन सा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी और कौन सी श्रेणी आती है सर जास्कर श्रेणी ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय में आती है मेरे प्यारे साथियों और ट्रांस हिमालय की नदी कहा जाता है यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में यहां पर मेरे प्यारे साथियों जब आप देखोगे तिब्बत में यहां पर मानसरोवर झील है कौन सी झील है सर मानसरोवर झील है मेरे प्यारे साथियों कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील है वहीं से इसका उद्गम होता है इसी में नीचे से निकलती है सतलुज नीचे से निकलेगी सतलुज और यहां से निकलेगी जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र या शांगपो ब्रह्मपुत्र या सांगपो यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरो झील के पास दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत जांगबो ग्लेशियर से निकलती है कौन से जांगबो ग्लेशियर से यह है, निकलती है कुल लंबाई इसकी बत्तीसौ किलोमीटर लंबी करीबन यह है यह तो हो गई इसके उत्तर की बात अब बात करते हैं इसके बाकी डिटेल्स की अगर सिंधु नदी के बारे में मैं बात बताऊं आपको तो दिख रहा होगा मोटा मोटा आपको वन सेकेंड चलो सिंधु नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा भाई ये रही इंडस ये इंडस रिवर आई इंडस में जासकर जास्कर करके एक नदी है फिर नुबरा करके है शोक करके है गिलगिट करके है और इस तरीके से ये आगे चलेगी ये ये इधर चलेगी ठीक है ये सिंधु नदी है एक चीज याद रखिएगा सिंधु में सबसे पहले मिलती है यहां पर मेरे प्यारे साथियों याद रखना झेलम फिर आती है चेनाब कौन कौन सी सिंधु न... ये क्रम याद रखना ये पूछता है सिंधु नदी में सब सबसे ऊपर कौन सी है झेलम सबसे ऊपर कौन सी मिलती है झेलम फिर मिल रही है चेनाब फिर कौन सी मिल रही है चेनाब फिर मेरे प्यारे साथियों ये आ जाती है ब्यास ये आ जाती है मेरे प्यारे साथियों ब्यास फिर आ जाती है ये रावी फिर आ जाती है रावी और सबसे नीचे आ जाती है सतलुज नदी कौन सी नदी सतलुज सतलुज नदी यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदियां हैं मेरे लाडलो इसके अलावा याद रखना शौक रिवर शौक जास्कर और गिलगिट शौक जास्कर और गिलगिट अगर सिंधु नदी जलतंत्र की मैं बात करूं तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और एक सीमा पार नदी भी है मतलब यह तिब्बत से निकलती है और इधर पाकिस्तान में चली जाती है यह चीन भारत और पाकिस्तान के तिब्बती क्षेत्र से होकर बहती है पाकिस्तान में तिब्बती क्षेत्र से होकर बहती है सिंधु की नदी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो याद रखना सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और इसमें सिंधु नदी बेसिन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 प्रतिशत कितना लगभग कुल क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक पाकिस्तान और पीओके में स्थित है अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर लगभग 22 प्रतिशत भाग भारत में है और 10 प्रतिशत भाग तिब्बत में है इस तरीके से जो सिंधु नदी है तीन देशों में बटी हुई है चीन भारत और पाकिस्तान चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल है कि भाई निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है महानदी गोदावरी ताप्ती और कावेरी जब भी प्रायद्वीपीय नदियों की बात आए मेरे प्यारे लाडलो और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम आप हमें गिना दीजिए तो आप क्या गिनाओगे मेरे प्यारे साथियों याद रखना तीन चार नदियां हैं बस इनको याद रखना एक यहां पर मेरे प्यारे साथियों अमर कंटक से निकलती है नर्मदा कौन सी निकलती है नर्मदा जिसके ऊपर यहां पर विंध्या श्रेणी यहां पर मेरे प्यारे साथियों नीचे अजंता श्रेणी और फिर यहां से निकलती है ताप्ती ताप्ती जिस पर ऊका बांध बनाया गया है नर्मदा और ताप्ती ये किधर बह रही है पश्चिम में बह रही है ऊपर यहां से मेरे प्यारे साथियों आती है माही माही और गुजरात में एक और ही नदी है दूसरी जिसे बोलते हैं साबरमती ये मेरे प्यारे लाडलों याद रखना पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं तो पश्चिम की ओर बहती है महानदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है ताप गोदावरी नहीं बहती है कावेरी नहीं बहती है कौन सी बहती है सर ताप्ती तो आपका सही जवाब सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वही हमने बताया कि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है जिनकी डलान अलग अलग होती है अतः वे पश्चिम की ओर बहती है डलान इधर है तो इधर की तरफ बहती है और यह याद रखिएगा यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है सर भ्रंश घाटी क्या है मेरे प्यारे साथियों अगर यह मैदान है और इसमें चट्टाने कुछ विशेष प्रकार की हैं और नदी की स्पीड ज्यादा है तो यह नदी अंदर काटती रहती है फैलती नहीं है अंदर की तरफ काटती रहती है तो एक घाटी बनाती है जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं ताप्ती नदी उन भ्रंश घाटियों में से एक बनाती है ताप्ती नदी की अगर मैं बात करूं तो यह एमपी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है याद रखिएगा एमपी महाराष्ट्र और गुजरात नर्मदा के अलावा ताप्ती एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है इसका उद्गम क्षेत्र जैसे मैंने आपको बताया मेरे प्या साथियों कि नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है ताप्ती जो है बेतुल जिले से कौन से जिलों से बेतुल जिले से सतपुड़ा पर्वतमाला से होकर बहती है बच्चा हमने आपको यहां पर बताया था ये यहां पर विंध्या यहां पर आ जाता है विंध्या यह आ जाता है सतपुड़ा सतपुड़ा के नीचे यहां पर आ जाती है अजंता ये आती है अजंता मेरे पैर लाडलो वो मैंने शायद गलती से बोल दिया था तो ध्यान रखिएगा अब मुझे दिमाग में आया ताप्ती नदी सूरत के मैदानी इलाकों से होते हुए गुजरात तक जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी कहां पर जाकर गिरती है सर खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है ताप्ती नदी की लंबाई सात किलोमीटर है और नदी का कवरेज क्षेत्र पैसठ वर्ग किलोमीटर है पश्चिम में बहने वाली नदियों की एक और विशेष बात मैं आपको बताता हूं ये जितनी भी पश्चिम में नदी बहती हैं मेरे प्यारे साथियों ये डेल्टा नहीं बनाती है डेल्टा नहीं बनाती है क्यों नहीं बनाती क्योंकि भाई ज्यादा ऊंचाई से गिरती है तो गर्त में चली जाती है यह बनाती है एश्चुरी क्या बनाती है एश्चुरी डेल्टा बनाने वाली नदियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी डेल्टा इस तरीके से अलग अलग जाकर है ना ये डेल्टा बनाने वाली नदियां आपको पूर्व में बहती हुई दिखाई दे जाएंगी जैसे कि गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा जिस बात से आप भली भांति परिचित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई मानसरोवर से निकलती है मानसरोवर से तिब्बत होते हुए बहती है तो इसे शांगपो के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं शांगपो के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों और अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से कौन सी जगह से, से? नामचा बरवा नामचा बरुआ से भारत में प्रवेश करती है और भारत में इसे देहांग के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं देहांग के नाम से जानते हैं आगे चलकर इसमें देवांग नामक नदी भी मिलती है देहांग देवांग ये सारी की सारी, सारी इसके सहायक नदी है और फिर ये पश्चिम बंगाल के अंदर चली जाती है जहां ये गंगा से मिलकर गंगा से मिल जाती है किससे मिल जाती है गंगा से मिल जाती है यह है ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी में यहीं पर आपको मजुली द्वीप भी देखने को मिल जाएगा मजुली द्वीप की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों याद रखना विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा नदी है, द्वीप है मजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर मिल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है तो कौन सी देहांग देबांग सुबनसिरी और धनसरी की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में स्वायत्त क्षेत्र में सांगपो के नाम से बहती है नामचा बरुआ के पास यह दक्षिण ट्रम से होकर घाटी बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है यहां से इसमें नदियां जो मिलती हैं देबांग लोहित कामेंग सुभनसरी धनसरी जैसी नदियां यहां पर मिलती हैं ये देखिए भारत में प्रवेश कर गई यहां पर सबसे पहले ये देखो लोहित रिवर आती है लोहित आ रही सुभनसरी आ रही और देहांग नदी आ रही है ये और दिखव रिवर मिल रही है झांझी नदी मिल रही है जोराट नदी मिल रही है और जाकर मिल जा रही है ठीक है फिर दीपू नदी आती है और दीपालू नदी मिलती है ये इस तरीके से आगे बहती रहती है ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं तो हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के अंदर कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के पास से यह निकलती है राकस ताल से राकस ताल राकस झील से यह है, निकलती है दक्षिण तब्बत में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यह नदी फिर ब्रह्मपुत्र के रूप में आसाम घाटी से होकर दक्षिण पश्चिम में बहती है अंत में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के रूप में बांग्लादेश में पहुंचती है और गंगा नदी में विलीन हो जाती है गंगा में मिल जाती है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है गंगा नदी में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम होता है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती सोन गोमती यमुना हां जी जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है तो इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है यह मध्य भारत में इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है गोदावरी की किसकी गोदावरी नदी की यह सहायक नदी है अब बात कर लेते हैं गंगा नदी के अपवाद जलतंत्र के बारे में गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है नंदाकोट नंदा देवी केदारनाथ संतोपत ग्लेशियर कामेट त्रिशूल गंगा के स्रोत हैं इसकी कुल लंबाई दो किलोमीटर है जो कि भारत की से सबसे लंबी नदी बनाता है यह पश्चिम हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा के उद्गम को गंगोत्री कहा जाता है इस नदी के किनारे पर आपको बनारस मिलेगा इस नदी के किनारे आपको हरिद्वार मिलेगा इस नदी के किनारे पर आपको इलाहाबाद कलकत्ता कानपुर पटना और गाजीपुर शहर इत्यादि शहर आपको गंगा नदी के किनारे पर ही मिलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखिएगा बनारस हरिद्वार इलाहाबाद कोलकाता कानपुर पटना और गाजीपुर शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं चाहे आपसे पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी चाहे भारत की राष्ट्र नदी पूछ ले चाहे भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ ले या भारत में नदी का सबसे बड़ा बेसिन पूछ ले इन सब का जवाब क्या होगा गंगा नदी ही इसका जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा चाहे सबसे लंबी नदी पूछ ले राष्ट्र नदी पूछ ले सबसे बड़ी नदी और किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है गंगा का कावेरी नदी इनमें से किस राज्य से निकलती है कावेरी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका और मध्य प्रदेश कावेरी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो यह कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है ताला कावेरी यह स्थान जहां कावेरी नदी का उद्गम होता है कुर्ग जिले के मध्य में कर्नाटक के पश्चिम घाट में घने जंगल से घिरी ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी पर यह स्थित है ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी एक बार कावेरी का मैप आपको दिखाऊंगा मैं अच्छा मैप मैं नहीं लगा पाया कोई बात नहीं ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन आपने आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा होमवर्क का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ सिक्किम राज्य में बहती है इसका जवाब आपको देना है होमवर्क में ऑन हैप्पी टीचर्स डे शिक्षक दिवस के आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भी गुरुजन हैं उनको भी आपके भी जो भी होंगे उनको भी हाँ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगता है क्या इस सेशन को और बढ़ाना चाहिए या दस मिनट बहुत है मिलकर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में तब तक ले ध्यान रखे ख्याल रखें बाय बाय जय हिंद जय जै भारत